हेलो स्टूडेंट्स, मैं नसीम अंसारी सर आप सबों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स देख सकते हैं, ये देखिए आज का कॉलेज का लाइव स्टेटस देखिए। आज अभी तक कितना सीट फुल हुआ है देखिए, है ना। अभी तक कितना सीट फुल हुआ है, आप लोग सीट फुल हुआ है मतलब कि फुल नहीं हुआ है, टोटल कितने चॉइस रिसीव हुए हैं, कितने चॉइस रिसीव हुए हैं, ठीक है। इसको देखिए, यहाँ पर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के का जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के अंदर में कौन कौन से कॉलेज आते हैं देखिए। ARS BEd कॉलेज बोकारो, अल हबीब टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, है ना, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए आप लोग आज का ये लाइव आज का स्टेटस है, वहाँ देख लीजिए। उधर बोलिए, ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। बस मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ ये, ताकि आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक, देख लीजिएगा ये और कौन कौन से यूनिवर्सिटी हैं और कौन कौन से कॉलेज हैं जो कि इस बार जिनको NCTE के द्वारा मान्यता प्राप्त मिला है झारखंड सरकार के द्वारा। BEd कॉलेज कौन कौन से, ये भी आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक, इसको देख लीजिएगा। आज का लाइव स्टेटस है ये, देखिए शमसुल हक मेमोरियल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो है झुनाई पहाड़ी धनबाद, इसमें देखिए केवल 44 चॉइस आया है, रिसीव हुआ है आउट ऑफ 100, है ना। देखिए तो इसके अकॉर्डिंग जहां बहुत ज्यादा जैसे चॉइस आया है ना, उसको जो लोग अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं, तो बहुत ज़्यादा चॉइस जहाँ का आया है, कोशिश कीजिए कि आप उसको फिल ना करें, उसको फिल नहीं कीजिएगा, है ना। कुछ कुछ कॉलेज है देखिए जहाँ का बहुत ही कम कॉलेज चॉइस आया है, जैसे MBNS इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन देखिए 100 में अभी तक 44 ही चॉइस आया है, तो इसको आप लोग ले सकते हैं। जिनका रैंक ज्यादा अच्छा नहीं है वो लोग यहां से देख लीजिएगा। देखिए 30 है नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, 100 में अभी तक 30 ही चॉइस आया है, ठीक है। ज्योति प्रकाश महिला BEd कॉलेज अभी तक 72 चॉइस आया है, सिद्धनाथ BEd कॉलेज देखिए 61 अभी तक आया है, सहदेव चंद्रवंशी BEd कॉलेज अभी तक केवल 42 ही चॉइस आया है स्टूडेंट का। देखिए गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज रांची में जो है 68 नंबर में, देखिए जो कांके में है 1275 अभी तक आ चुका है। गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बरियातू में जो है उसमें 878 अभी तक चॉइस आया है, ठीक है। देखिए मदर जीरामणि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 78 है 55। इसके बाद मोतीराज देवी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज अभी तक 55 चॉइस आया है, ठीक है। अब देखिए शाइन अब्दुल रज्जाक अंसारी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये इरवा में है रांची अपोलो हॉस्पिटल के आसपास है, अभी तक 42 चॉइस आया है, यहाँ से देख लीजिएगा आज का लाइव स्टेटस, ठीक है। मेरा तो 2 तारीख
ठीक है, देखिए यहाँ से देख लीजिए, उसके हिसाब से कल जो लोग अप्लाई कीजिएगा माइंड मेकअप कर लीजिए कि कितना कहाँ से आया है, उसके हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। बहुत कम जहाँ से आया है, मान लीजिए आपका रैंक अच्छा नहीं है, तो बहुत कम चॉइस जिस कॉलेज का आया है आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखिएगा ना, तो चांस है कि आपको 100% मिल जाएगा। जैसे किन्हीं का रैंक है 13,000 या 12,000 है, तो वो लोग उनका ना ज़्यादा चांस है कि उनको प्राइवेट ही मिलेगा। तो प्राइवेट में वैसा कॉलेज रखिए जहाँ का चॉइस, देखिए लाइव स्टेटस में दिखा दे रहा हूँ, चॉइस जहाँ का कम आया है ठीक है, वो अप्लाई कीजिएगा ठीक है। फिर मैं अभी लाइव आऊँगा, एक घंटे बाद हो सक, एक घंटे बाद मैं अभी लाइव आऊँगा है ना, एक घंटे बाद मैं लाइव आऊँगा। इससे आप लोगों को ये भी आइडिया हो जाएगा कि कितने पूरे झारखंड में कितने कॉलेज हैं जो कि इस बार जिनको मान्यता प्राप्त है NCTE का, है ना। देखिए अभी रात में मैं लाइव आऊंगा, हो सकता है एक दो घंटे के बाद ही आ जाऊंगा। अभी मैं लाइव आऊंगा ठीक है ना, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिनका जो भी डाउट है हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए 137 कॉलेज है, 137 लास्ट है, YBN यूनिवर्सिटी रांची, ये नामकुम में है रांची में, 13,700 सीट है टोटल ठीक है। मतलब अनाउंस जो है, ये ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट है वो 13,700 सीट है, इसके बाद भी शायद कुछ कुछ राइट रहता है कॉलेज को कुछ ओपन काउंसलिंग में ठीक है, डरना नहीं है, इसके बाद भी तो रहता ही है ओपन काउंसलिंग में, कॉलेज को राइट रहता है वो कुछ स्टूडेंट को ले सके, लेकिन ओपन काउंसलिंग में जो जितना जल्दी कंसल्ट कीजिएगा उनका उसमें ज़्यादा चांस है। कुछ कुछ कॉलेज से मेरा है लगाव है, कंसल्ट है कि जिनका जब सपोज 2 या 3 काउंसलिंग के बाद भी जिनका मौका नहीं मिलेगा तो वो लोग मेरे से कंसल्ट कीजिएगा। कुछ कुछ कॉलेज का मैं नाम बताऊँगा, वहाँ जल्दी से आप जाकर बात कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा है ना। जिनका 30,000 35,000 या 40,000 जिनका CML रैंक है वो लोग, मैं उनको बोल रहा हूँ ठीक है ना, टेंशन नहीं लीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, बस हाँ आपके पास CML का रैंक होना चाहिए, चाहे 40,000 हो 42,000 हो कुछ भी हो ठीक है ना, डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। कुछ लोग बहुत डरे हुए हैं, मुझे बहुत ही मैसेज कर रहे हैं, जितना हो पा रहा है मैं रिप्लाई भी करता हूँ है ना, आप लोग के प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन भी देने का कोशिश करता हूँ जितना मेरे से हो पाता है ठीक है। तो आप लोग ये देख लिए होंगे आज का लाइव स्टेटस, इसके हिसाब से डिसीजन लीजिएगा, मुझे कमेंट भी कीजिएगा कुछ पूछना रहेगा तो, है ना ठीक है। चलिए आधा घंटा बाद मैं लाइव आऊँगा, फिर हम लोग उसमें बात करेंगे, जिनका जो भी डाउट है मेरे से पूछिएगा ठीक है। फिर मिलते हैं आधा घंटा के बाद। आप लोगों ने मैसेज भी किया था कि सर आप लाइव कितने में जाइएगा, तो मैं लाइव आ जाऊँगा, टेंशन लेना है ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन। और जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर ठीक है, कंसल्ट में रहिए हमेशा ठीक है, थैंक यू एवरीवन।